हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटरटेक में। जैसा कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना पैन कार्ड अगर आपका खो गया है तो वो अपने अपने एड्रेस से दोबारा से उसको रीप्रिंट कैसे मंगवाएं, तो वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और ब्राउज़र में मेंशन करेंगे NSDL पैन कार्ड रीप्रिंट। तो देखिए यहाँ पे इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट फॉर पैन कार्ड NSDL, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए कुछ डिटेल्स मांगेगा, ये आपका पैन नंबर डालना होगा आपको। और जो आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर डालना होगा। और डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर डालना होगा। तो सारा डिटेल्स ओपन हो जाएगा और देखिए यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे क्लिक करके आई एग्री पे करके जनरेट OTP करना होगा। तो देखिए एक OTP प्राप्त होगा हमारे मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको मेंशन करना होगा। और देखिए फिर आपको पेमेंट और पेमेंट करना होगा, ठीक है। पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हो, जैसे आपको लगे वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको पेमेंट भी करके प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। आई एग्री। प्रोसेस टू पेमेंट, ये देखिए 50 रुपये मांगेगा आपसे, ऑनलाइन का जो फीस है 50 रुपये वो पे करनी होगी आपको। तो जो भी आप पेटीएम से, मैं करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना पेटीएम नंबर मेंशन करूँगा। प्रोसेस करेंगे और वन टाइम पासवर्ड OTP मांगेगा। और वेरीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है, जो भी आपका डालिएगा पे कर दीजिएगा। हमारा पेमेंट हो रहा है, जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। देखिए पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो गया है, तो कंटिन्यू करके इसको प्रिंट जनरेट रिसिप्ट प्रिंट तो क्लिक कर दीजिएगा। देखिए हमारा प्रिंट यहाँ पे PDF फाइल में जनरेट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।